और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में अदनान और आमिर सिद्दीकी ने रिएक्ट किया एलविश यादव के ऊपर। एंड गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि दोनों की एलविश यादव के साथ पास्ट में कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है और एलविश यादव ने दोनों को ही अपनी वीडियो में बहुत ही ज्यादा गंदे वाला रोस्ट भी कर रखा है। तो गाइस इन दोनों की तरफ से एलविश यादव की रिप्लाई है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते कल वीकेंड के बारे में क्या क्या हुआ है। मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में एक्सप्लेन करके सब कुछ बता देता हूँ। जब सलमान खान वीकेंड के बारे में सभी की क्लास लेने आते हैं तो वहाँ पर वो फुकरा इंसान को बोलते हैं, आपकी वजह से ही तो हमारा शो चल रहा है, अगर आप नहीं होते तो क्या होता हमारे शो का और हमें टीआरपी कहाँ से मिलती। एंड गाइस कुछ दिन पहले फुकरा इंसान ने जेड एडिट को बोला था कि मेरी वजह से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ये शो देख रही है और मेरी ही वजह से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बिग बॉस शो को देखने के लिए आई है, इसलिए मैं शो जीतना डिजर्व करता हूँ। तो इन्हीं सब चीजों को पॉइंट आउट करते हुए फुकरा इंसान की कल क्लास ली गई। एंड गाइस वहाँ पर सलमान भाई फुकरा इंसान के फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं और वहीं अपने फॉलोअर्स से उनके फॉलोअर्स को कंपेयर भी करते हैं और वहाँ पर फुकरा इंसान को फॉलोअर्स के बेसिस पर नीचे दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद सलमान भाई आते हैं फुकरा इंसान के वाले टॉपिक पर, जब फुकरा इंसान की मॉम उनसे मिलने के लिए आई थी तो वहाँ पर फुकरा ने अपनी मॉम को कहा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला शो जीतना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। तो इस बात को भी सलमान खान पॉइंट आउट करते हैं एलविश यादव के सामने। एंड उसके बाद फुकरा इंसान सलमान भाई से भी ये बात बोलते हैं कि मैंने एलविश को पहले ही बता रखा है कि कोई भी वाइल्ड कार्ड वाला बिग बॉस शो जीतना डिजर्व नहीं करता है। फिर उसके बाद सलमान खान एलविश यादव से पूछते हैं कि आपको ऐसा पहला बोला गया। उसके बाद एलविश यादव जवाब देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं बोला गया मुझे पहले, बट मैंने ही इसे बोला था कि शो तुम जीतो या मैं, ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी की होगी एंड तू पहले दिन से शो के अंदर है इसलिए तू शो जितना डिजर्व करता है। एंड फिर उसके बाद सलमान खान मनीषा रानी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, जो फुकरा इंसान ने कहा कि एलविश यादव शो जितना डिजर्व नहीं करता उन्होंने सही कहा या गलत कहा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते अदनान और आमिर सिद्दीकी ने रिएक्ट किया एलविश यादव के ऊपर। सो गाइस आप लोगों को पता होगा अदनान और आमिर सिद्दीकी की एलविश यादव के साथ पास्ट में कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है। सो गाइस बेसिकली कल अदनान से पूछा गया कि आप बिग बॉस शो के अंदर किसे सपोर्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मनीषा रानी और अभिषेक को सपोर्ट कर रहा हूं। एंड गाइस उसके बाद उन्होंने एलविश यादव के बारे में क्या उल्टा सीधा बोला आप खुद सुन लीजिए। है एलविश है और अभिषेक भाई है, इनका पूरा एक ग्रुप है जो काफी अच्छा है, इनो ट्रेंडिंग पर है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा ये तीनों में से? मैं तो चाहता हूँ मनीषा जीते और ऑन द अदर साइड देखेंगे तो अगर लड़का बोलेंगे तो मेरे हिसाब से लड़का अभिषेक। फुकरा इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही रियल है। वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने और बहुत ही वो फेक पर्सनैलिटी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस के बारे में, टीम 07 के फैंस के बारे में और सलमान भाई के फैंस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो जाहिल है, तो पैसे नहीं रहते हैं, बाल कलर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ भाई ने अभी तक का देखा नहीं है शायद, पर झुग्गी झोपड़ी वाले अभी यहाँ तक पहुँच गए और भी बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो बहुत कुछ अचीव किए। एग्जाम्पल वन ऑफ द झुग्गी झोपड़ी वाले में हम लोग आते हैं, जैसे वैसे एम ई वे बंटाई भी है और भी बहुत सारे नाम हैं। तो झुग्गी झोपड़ी से निकल के हम लोग ये लेवल पे पहुँच रहे और खुद के दम पे पहुँच रहे और किसी को नीचा दिखा के किसी को गालियाँ दे के तो सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है और सामने आके अभी भाई भाई कर रहा है। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। एंड गाइस कल आल्सो आमिर सिद्दीकी भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने ऑडियंस से पूछ रहे थे कि बिग बॉस ओटीटी का विनर कौन बनेगा, फुकरा इंसान या एलविश यादव। और देख सकते हो पीछे उन्होंने पांडा की फोटो लगा रखी है, इससे पता लगता है कि फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे थे। एंड गाइस कल पूरब झा से भी किसी ने पूछा कि बिग बॉस ओटीटी का विनर कौन होगा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनिए। बाकी गाइस आप लोगों के हिसाब से बिग बॉस ओटीटी का विनर कौन बनेगा, फुकरा इंसान या फिर एलविश यादव, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।